अच्छा वैसे अब ये बताएं, ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं डिसाइड हो रहा था केयर टेकर? वो कह रहे थे कि आपके लीडर जरदारी साहब वो चाह रहे हैं पॉलिटिशियन, दो साहबान वो चाह रहे हैं इकोनॉमिस्ट, और इट इज़ अ सीरियस इशू बिकॉज और आपके लोग इकोनॉमिस्ट शायद इसलिए नहीं चाह रहे, उनको फिक्र है इकोनॉमिस्ट आ गया तो कहीं 60 दिन या 90 दिन 600 या 900 दिन ना बन जाए, तो दे वॉन्ट अ पॉलिटिशियन। ये है इशू, ये एक संजीदा बात है। हाँ, और वो ऐसे है कि अगर केयर टेकर इलेक्शंस के इनेकाद के लिए अपना किरदार अदा करने की हद तक हों तो वो तो आइन का तकाजा तो ये है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी से उदा भरा हों, लेकिन अगर इस सूरत हाल में ये ज़िम्मेदारी एक माहिर मईशत के ज़िम्मे लगती है, यानी ये 90 दिन इंतखाब के लिए तो हैं लेकिन साथ एक मुश्किल सूरत हाल में मुल्क की मईशत को भी संभालना है, तो जो कि ना तजर्बाकार आदमी नहीं कर सकता, जिसके पास ख़ासकर महदूद इख्तियारात जो कि निगरान के होते हैं, और जब असेंबली भी पास नहीं है रहनुमाई के लिए, तो फिर उस सूरत में ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो क्या अगर इकोनॉमिस्ट लगता है कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो आप लोगों के लिए एक रेड हेरिंग होगा? नहीं, उसके साथ फिर बहुत से सवालात ये शकूक व शुबहात के अंदाज में, रादर अगर एक इन वेरी बेस्ट एप्रीहेंशन ऑफ थिंग्स आप एक लगा देते हैं इकोनॉमिस्ट के, ये 90 दिन भी बगैर एक तजर्बाकार माहिर मईशत के नहीं चलाए जा सकते, उसके हक में भी उतने ही आर्गुमेंट आ सकते हैं। एग्जैक्टली ये बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब फिर उन्हीं का प्रिवेल करेगा। इसके साथ जो विस्परिंग है वो बहुत सारी जुड़ी हुई है, वो ये है कि अगर माहिर मईशत आ गया तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि केयर टेकर्स लंबे होंगे, क्योंकि तारीख में ऐसा होता रहा। तो इस चीज़ की फिक्र के साथ ये सारी विस्परिंग जुड़ी हुई है। पीपल्स पार्टी इतनी बुलिश क्यों हुई हुई है? और उनका ख्याल ये है, वो कहते हैं कि हम, और मेरी इतला ये है कि जो दुबई में मीटिंग हुई, एक मीटिंग तो हुई जरदारी साहब की और मियाँ साहब की, एक और मीटिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, बड़ी अहम शख्सियत थी, उनकी मीटिंग भी हुई मियाँ साहब से, और वहाँ की मेरी फीडबैक ये है कि वो, उनका ख्याल था कि मियाँ साहब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं सबसे, यही काफ़ी नहीं है कि आपका बोझ ही सारा इंस्टीट्यूशन ने उठा लिया विज़ावी खान साहब एंड एवरीथिंग, उससे आगे की भी बातें कर रहे हैं, तो इसलिए जो एक वर्केबल पार्टनर है वो इंक्रीजिंगली पीपल्स पार्टी ज़्यादा बेहतर वर्केबल पार्टनर नज़र आ रही है, क्या आपको ऐसी फीलिंग आती है? अच्छा नहीं, मालिक साहब पहले तो मैं ये बताऊँ कि कोई ऐसी मुलाकात मेरे इल्म में नहीं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जो जरदारी साहब की और मियाँ साहब की मुलाकात है उसमें बुनियादी तौर पर यही बातचीत थी कि हमें एक किस सूरत में इस बाकी बांदा जो दिन हैं हुकूमत के वो कैसे निकलने हैं, जिस पर जरदारी साहब ने अपना पूरा ट्रस्ट पब्लिकली अपनी स्टेटमेंट में उस मीटिंग के बाद पोज किया ऑन द प्राइम मिनिस्टर और कहा कि ये मेरे वज़ीर आज़म हैं। वो हकूमती मामलात के मुतल्लिक और जो बातचीत उनकी आइंदा आने वाले दिनों में और महीनों में होगी उसके बारे में थी, और उसमें ये बात भी तय थी कि इंतखाब जो है हमें, वी आर बोथ आइंग, मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हो, मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी पार्टी के पास पंजाब हो, तो उसके लिए जब मैं इंतखाबी अमल में चला जाऊँगा तो आई विल हैव नो लव लॉस्ट फॉर पीपल्स पार्टी, उनकी अपनी पोजीशन होगी, मेरी अपनी पोजीशन होगी। मुमकिन है कुछ जगहों पर जहाँ पे हमें कुछ सीट एडजस्टमेंट्स की बात करनी पड़े, मे बी, ये भी मैंने उनके स्टेटमेंट से सुना। कितने सीट्स आप देख रहे हैं पंजाब से नेशनल असेंबली की? मालिक साहब जब ये टिकट्स दे लेंगे ना तो तब मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके हिसाब से बात। ये आपके लोग बार बार ये क्यों कहते हैं टिकट को ले, टिकट लेने वाला नहीं होगा? क्यों नहीं होंगे टिकट लेने? मैं आपको बता रहा हूँ नहीं होगा। इतनी दहशत चलेगी? इतनी, जब आप इतनी बड़ी हमाकत करेंगे, जब आप इतनी बड़ी मुल्क दुश्मनी करेंगे, जब आप पाकिस्तान की रियासत के अदारों पर, मालिक साहब मैं आपके टीवी स्टेशन पे हमला कर दूं आप मुझे माफ नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप मुझे बताएं ना, मैं सब एक बात बताएं, हर एक बंदा जो विजिबली पार्टी छोड़ के जाता है, 500 वो लोग भी हैं जो पार्टी नहीं जिन्होंने छोड़ी, एक बताएं, बहुत से लोग हैं आपके पार्टी के, आपका वोटिंग बेस है। आप मुझे कल एक पीटीआई का बंदा यहाँ पे ढूंढ के लाके टीवी में बिठा दें। नहीं, वो भी तो कोई बोलेगा नहीं, बिकॉज उसको पता है मैं नहीं, ऐसे नहीं होता सर, ये ऐसे नहीं। मुझे एक बात, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने सबके ज़मीर जागते देखे दो तरीके में, या वो अरेस्ट हो जाए, अगले दिन आके वो ज़मीर जाग जाता है, ये महीना गायब हुए आजम खान साहब,
उनका भी एकदम जमीर जाग गया, एक एक हवा है, एक फिजा है, कोई इनकार नहीं कर सकता। होता सर ऐसे है, ठीक है ना, लेकिन एक हद तक ही आप कर सकते हैं ना। नहीं वो देखे ना, बाज़ुकात आपको अपने किए पे नदामत होती है, कोई फौरी नादिम हो जाता है, कोई कुछ दिन लगा के होता है। मालिक साहब इस काम पे जिस पे कुछ दिन लगे तो फिर हो जाता है, ये होनी तो इसमें नदामत ही है। इस खुद इस शख्स को खुद कब होती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन होगी इसको भी नदामत। किया क्या इसने, वो कभी शहीदों पे भी कोई डंडे बरसाता है? ये तो नहीं, वो तो बड़ी ही घटिया है, तो फिर ये कौन जो है रेडलाइन हो गया। लेकिन अभी उसको छोड़ दें, सारों ने तो जाके शहीदों पे डंडे नहीं किए ना, वो तो एक सेक्शन था, सिंबॉलिक होता है ना सर, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप मुझे कह रहे हैं कि जितने लोग जिनके जमीर जाग रहे हैं सारे वॉलंटियरली जाग रहे हैं, बिल्कुल उनके अंदर से सीरियस है के कह सकते हैं मुझे बात, मुस्कुराए मुस्कुराए बगैर, ये देखे मुस्कुराट आउट सर, देखे सुनने क्या मेरी बात, देखे मैं कहूँ मैं तो इस पे आप मुझे मुस्कुराने में तो कैके लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा देखें, क्योंकि मैं इन सबको जानता हूं जिनके ज़मीर जाकर तहरीके इंसाफ में गए थे। ये वो ज़मीर थे जो पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे, ये वही ज़मीर यार है। एक भाई जनरल ज़मीर होते थे सारे, कहते थे कि जी ये दिल जब वो जागते हैं तो सारे सबके ज़मीर। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ये ज़मीर तो अक्सर जागते रहे मुस्लिम लीग के साथ भी, ये ज़मीर जागते रहे मुस्लिम लीग कायदे आज़म के साथ भी, ऊपर नीचे होते रहे, तो आज फिर हो जाएंगे। आज जो कॉन्फ्लिक्ट है और गुस्सा है इंस्टीट्यूशन का, बिल्कुल नज़र आ रहा है इसमें, इसलिए हम खुल के बात कर सकते हैं खान साहब के साथ, और उनके बड़े सीरियस चार्जेस हैं। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सिटिंग आर्मी चीफ पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, मेरी असैसिनेशन करवा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ है। क्या ये ऑटोमेटिकली आपकी मोहब्बत में तो ट्रांसलेट नहीं हो जाएगा? जो मुझे लगता है कि आप लोगों का तासुर ये है क्योंकि उनसे नाराज़गी है तो इसलिए हमारे से मोहब्बत है। मालिक साहब ऐसे नहीं, बाज़ुकात ऐसा होता है कि अब जो एक फैक्ट्री होती है ऑटोमोबाइल्स की, वो एक गाड़ी बनाती है, उसको टेस्ट में फेल कर देती है कि रोड वर्दी नहीं है फॉर सर्टेन रीजंस। वो फेलियर बड़ा तकलीफ दे होता है, ये गाड़ी रोड वर्दी नहीं थी। तो आप भी तो उसी फैक्ट्री से बने हुए? नहीं सर, नॉट एट ऑल। हमारे वाला मार्का डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है? देखिए ना, आप देखें कोई फर्क होता है, जैसे हम तो वैसे ही अदरवाइज ही लोकल असेंबली है, हमारा क्या झगड़ा है? मुझे एक चीज़ बताएं, मुझे किसी ने एक इंटरेस्टिंग बात पॉइंट आउट की, उसने कहा कि जब आप ये हमें नज़र आता है कि ये अल्ताफ़ हुसैन मॉडल चल रहा है, यहाँ एक लीडर है, यहाँ उसकी उसका वोटर बेस है, दरमियान में स्ट्रक्चर तोड़ दो तो बिल्कुल बंदा डिसकनेक्ट हो जाता है, यहाँ पे भी हमने देखा वो हो रहा है। बट हैविंग सेड दैट, उसने एक और इंटरेस्टिंग एंगल उनका कि आप उन लोगों को जब हटा देते हैं जिनका सिस्टम में कुछ स्टेक होता है, मतलब आप हैं, आपने 20 साल इस तरह लगाए हुए हैं, वजीर रहे हैं नहीं रहे, या वो फैमिली या बिजनेस, आप के जहां स्ट्रेंथ्स हैं वहीं आपका एक्सपोजर भी ज़्यादा है, यू हैव अ लॉट टू लूज, तो आप शायद कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। जब आप इस तबके को हटाते हैं तो फिर एक बड़ा हंगरी तबका डेस्परेट आता है कि मैं बिल्कुल छड़ा छांट हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मुझे कभी सोच भी नहीं सकता था मैं एमपी या एमएनए बन सकता हूँ। उन्होंने जनाब मलिक अहमद को हटा दिया, सडनली मैंने टिकट ले ली, तो ठीक है मेरे पास आपके वाला वो क्लाउड नहीं है, लेकिन मैं आपसे 10 गुना आई एम हंग्री फॉर दैट थिंग, और आपका मेरे पे इन्फ्लुएंस मैनिपुलेट करने का भी बड़ा थोड़ा है। तो ये तो नहीं होगा कि आप एक और एक्सट्रीम लीडरशिप क्रिएट कर देंगे जो मॉडरेट्स और दरमियानों को हटा के, तो आप ये भी तो हो सकता है ना कि आप एक एक्सट्रीम लीडरशिप एक नई क्रिएट कर दें पार्टी में? नहीं मलिक साहब, ये ऑर्केस्ट्रेट नहीं होती, ये ऑर्गेनिक होती। मैं आई अप्रीशिएट योर आर्गूमेंट, ये ठीक है, यानी मुझे आप एक एक कई तस्वूर हैं उनमें से निकाल दें और एक एक ग्रोथ हो जाए एक ऐसी लीडरशिप की जो मैसेज में से उठे और वो उठ के एक अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर दे, बट दैट कांट बी, दे कांट बी स्टैंडिंग बिहाइंड इमरान, ऐसे नहीं हो सकता। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई नॉट? बिकॉज नॉट वर्दी, गाड़ी रोड वर्दी नहीं है, ये फैसला हो गया। एब्सोल्युटली। लास्ट क्वेश्चन फिर मैंने क्लोज करना है एक बारी फिर, क्या आप एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि जो सेंसस है नया सेंसस नहीं आ सकता इनटू प्ले? नो आई कैन नॉट। बहुत शुक्रिया, ऑलवेज कैंडिड इज ऑलवेज। नाज़रीन आप खुद ही देखें, और मैंने जो आज बात की है इस पे जरा गौर रखिएगा, मेरी इतला ये है कि ये सेंसस वाली चीज है नोटिफिकेशन, ये एक लास्ट मेजर हो सकता है। अगर कन्विक्शंस हो गई अनाउंस डेट से पहले तो फिर ये सेंसस की शायद नोटिफिकेशन ना हो,
और अगर कन्विक्शन की नोटिफिकेशन ना हुई तो डोंट बी सरप्राइज्ड कि इस मुल्क में एक न्यू सेंसस नोटिफिकेशन आ जाए। देखना ये होगा कि क्या वो केयर टेकर गवर्नमेंट करेगी, और अगर केयर टेकर गवर्नमेंट करेगी उसका एक फिर लीगल चैलेंज का सिलसिला होगा, लेकिन उसमें भी तो टाइम लगता है, एक्सटेंशन से मुकदमात में भी होती है। सो वी माइट बी मूविंग एक अनसर्टनटी से, सर्टन सर्टनटी से हम एक अननोन अनसर्टनटी तक जा सकते हैं। और मैं जैसे शुरू में कहा था, पाकिस्तान की सियासत का मेवर जो भी कर लें आप, इस वक्त है पीटीआई चेयरमैन ही, यू कैन लव हिम हेट हिम यू कांट इग्नोर हिम, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।